दोस्तों ये बात है 2012 की। एक अमेरिकन MQ-1 ड्रोन ईरानियन एयर स्पेस को वायलेट करते हुए वहां पे घुस चुका था। तब दो ईरानियन Su-25 इस ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के लिए रवाना होते हैं। उन दोनों ही Su-25 ने बहुत कोशिश किया लेकिन उस ड्रोन को शूट डाउन नहीं कर पाए। इसके बाद 2013 में सेम इंसिडेंट देखने को मिला। फिर से एक अमेरिकन MQ-1 ड्रोन ईरानियन एयर स्पेस के बहुत पास से गुजर रहा था तो ईरान ने दो F-4 फैंटम्स को डिप्लॉय कर दिए उसको उड़ाने के लिए। लेकिन इस बार वो ड्रोन अकेला नहीं था, दो F-22 रैप्टर उस ड्रोन को एस्कॉर्ट कर रहे थे। जब वो दो F-4 फैंटम्स उस ड्रोन को उड़ाने के लिए टारगेट पोजीशन में गए तभी एक रैप्टर ने F-4 फैंटम्स के नीचे फ्लाई करते हुए उनका वेपन्स लोड चेक किया और इसके बाद रैप्टर F-4 के लेफ्ट विंग के पास आया और रेडियो साइलेंस ब्रेक करते हुए उन्हें बताया कि तुम्हें अब घर चले जाना चाहिए। दोस्तों इस पूरे टाइम ग्राउंड कंट्रोल और F-4 पायलट्स को पता ही नहीं चला F-22 के प्रेजेंस का।